Assalamu alaikum, Ani Khan here. Welcome to Online Bank Account Sign Up Series Part 3. Last two videos were about Mizan Bank and HBL. In those videos, we have Mizan Bank and HBL ka online bank account opening ka complete method. Dekha tha. So, in this video, we will see Bank Al Fula ka online bank account opening ka complete method. Dekhenge. So, stay tuned till end and watch all the steps carefully. Before starting the video, let me tell you about the requirements. Online bank account open करने के लिए आपको दो चीजें required होगी. सबसे पहली चीज एक CNIC और दूसरी चीज आपको एक SIM चाहिए होगी जो कि आपकी CNIC के ऊपर registered है. Bank Al Fula का online bank account opening का process start करने से पहले आपने अपने CNIC की एक front और एक back side की clear photo ले लेनी है. और हाँ, ये process mobile पे follow कीजिएगा. क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान आपको अपनी एक लाइव सेल्फी लेनी पड़ेगी. फोटो लेने के बाद आई एम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. सो गेटिंग स्टार्टेड, आई एम ऑन माय मोबाइल स्क्रीन. सो यहाँ से हम सीधे चले जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बैंक Al Fula रैपिड. बैंक Al Fula रैपिड सर्च करने के बाद जो फर्स्ट नंबर पे हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है, हम इस लिंक को ओपन कर लेते हैं. मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये लिंक पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस लिंक को ओपन कर सकते हो. तो यहाँ पर ये लिंक आपने ओपन कर लेना है. यहाँ पर लिंक ओपन करने के बाद आपको टॉप के ऊपर ओपन योर अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा. यहाँ पर हम ओपन योर अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं. यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट. तो यहाँ पर मैं करंट अकाउंट वाले ऑप्शन के अंदर चला जाता हूँ. करंट अकाउंट के अंदर बैंक Al Fula आपको डिफरेंट तरह के बैंक अकाउंट्स ऑफर करता है. इसके अंदर Al Fula करंट अकाउंट है, Al Fula डिजिटल आसान करंट अकाउंट है, Al Fula पहचान करंट अकाउंट है और एट द एंड Al Fula फ्रीलांस डिजिटल करंट अकाउंट है. इनमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो Al Fula फ्रीलांस अकाउंट ओपन करें या फिर Al Fula डिजिटल आसान अकाउंट ओपन करें. अगर आप यहां पर मौजूद किसी भी अकाउंट टाइप के बारे में डिटेल्स देखना चाहते हो तो यहां पर रीड मोर के ऊपर क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हो. नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने अपने बारे में बताना है कि आप क्या करते हो. आप एक रिटायर्ड इंडिविजुअल हो, लैंडलॉर्ड हो, हाउसवाइफ हो या कोई फ्रीलांसर हो या बिजनेस ओनर हो. यहाँ पर मैं जो लास्ट वाला ऑप्शन है फ्रीलांसर्स वाला, मैं ये चूज़ करता हूँ. देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स देनी है. यहाँ पर इन डिटेल्स के अंदर आपने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करनी है, यानी आप अपने पासपोर्ट के ज़रिए आइडेंटिटी वेरीफाई करना चाहते हो या CNIC के ज़रिए. उसके बाद यहाँ पर आपने ID कार्ड नंबर इंटर करना है, ID कार्ड की इशूइंग डेट यहाँ से सेलेक्ट करनी है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है और आपके शिनाख्ती कार्ड के ऊपर जो सिम है वो किस नेटवर्क के ऊपर है, वो नेटवर्क आपने मोबाइल नेटवर्क चूज़ कर लेना है. और यहाँ पर उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर वाले सेक्शन के अंदर आपने अपना फ़ोन नंबर +92 वाले फॉर्मेट के अंदर डाल देना है. यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये फ़ोन नंबर आपके अपने CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड होना मस्ट है. उसके बाद यहाँ पर आपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड कर देनी है और इसी तरह CNIC की बैक साइड की पिक्चर भी आपने अपलोड कर देनी है. उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं. उसके बाद ये पेज को रिफ्रेश करेगा और आपके फ़ोन नंबर के ऊपर और आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वन टाइम कोड सेंड किया जाएगा. तो वो 8-डिजिट का कोड जो आपको आपके फ़ोन नंबर के ऊपर रिसीव होगा वो कोड आपने यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ से वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाना है. सो फाइनली हमारा अकाउंट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक आपने अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम और सिटी ऑफ बर्थ, ये डिटेल्स आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है. और ये डिटेल्स आपने प्रोवाइड करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये डिटेल्स बिल्कुल आपके CNIC के ऊपर मौजूद डिटेल्स के साथ एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए. आपके नेम के स्पेलिंग एग्जैक्टली आपके CNIC के ऊपर मौजूद नेम के स्पेलिंग के साथ मैच करने चाहिए और बाकी तमाम तर स्पेलिंग भी CNIC के ऊपर मौजूद डिटेल्स के साथ एग्जैक्टली मैच करने चाहिए. तो ये तमाम तर डिटेल्स आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है. उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप US के सिटीज़न हैं, आपके ग्रीन कार्ड होल्डर हैं. यहाँ पर हम नो करते हैं और ये तमाम तर ऑप्शन ही मैं नो रहने देता हूँ. और उसके बाद हम लास्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं जो कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस चूज़ कर लेना है जो कि ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तान है. उसके अलावा अगर आप फाइलर हैं और आपके पास NTN नंबर है यानी नेशनल टैक्सिंग नंबर है तो आपने यहाँ पर अवेलेबल करके अपना CNIC यहाँ पर
पुट कर देना है। लेकिन अगर आपके पास NTN नंबर नहीं है, आप फाइलर नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन नंबर सी चूज़ करें और उसके बाद सी रीज़न सी के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑक्यूपेशन डिटेल्स का। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिटेल्स के अंदर अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरीड वाला ऑप्शन चूज़ कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं बिज़नेस वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं प्रोफेशन चूज़ करूँगा। यहाँ पर अगर प्रोफेशंस के अंदर आपका प्रोफेशन मौजूद नहीं है तो आपने अदर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने नेचर ऑफ़ बिज़नेस को चूज़ कर लेना है। नेचर ऑफ़ बिज़नेस के अंदर अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको फ्रीलांसर्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने फ्रीलांसर्स वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। उसके बाद सोर्स ऑफ़ फंड्स है, सोर्स ऑफ़ फंड्स अगर आपका खाली बिज़नेस है तो खाली बिज़नेस चूज़ कर लें, अगर बिज़नेस के अलावा भी कोई सोर्स ऑफ़ फंड है तो बिज़नेस एंड अदर्स वाला ऑप्शन चूज़ कर लें। और पर्पज़ ऑफ़ अकाउंट है, यहाँ पर आपने एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है कि आप अकाउंट क्यों ओपन कर लें। यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस अकाउंट टू रिसीव अ पेमेंट फ्रॉम माई क्लाइंट्स। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बैंकिंग सर्विसेज चूज़ करने का। तो यहाँ पर आपने चूज़ कर लेना है कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है करेंसी चूज़ करने का। यहाँ पर आप PKR के अंदर भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, जबकि US डॉलर्स के अंदर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। बट अगर आप US डॉलर्स के अंदर अकाउंट ओपन करते हो तो उस अकाउंट के साथ आपको डेबिट कार्ड ऑफर नहीं किया जाता, फिर आप कैश विड्रॉल जस्ट चेक बुक के ज़रिए कर सकते हो। सो चूज़ द करेंसी यू वॉन्ट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डेबिट कार्ड का, आपको डेबिट कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। आई क्लिक येस। उसके बाद जो आप डेबिट कार्ड के ऊपर नाम रखना चाहते हो वो चूज़ कर लो, और आपको कौन सा कार्ड चाहिए ये भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। आपको पेपाक कार्ड चाहिए या फिर आपको प्लेटिनम कार्ड चाहिए या जो भी आपको कार्ड चाहिए, यहाँ पर आप ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हो। आई डोंट वांट डेबिट कार्ड और चेकबुक, सो यहाँ पर मैं इन दोनों ऑप्शंस के अंदर नो ही चूज़ करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपसे कैमरा की एक्सेस मांगी जाती है, तो सबसे पहले आपने कैमरा की एक्सेस प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद टेक अ फोटो के ऊपर क्लिक करके अपनी एक लाइव सेल्फी ले लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर हम क्योंकि इनकम का प्रूफ नहीं सबमिट करवा रहे, तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपने टिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एट द एंड आपने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री करना है और सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से हमारा अकाउंट साइन अप का जो पूरा प्रोसेस है वो फिनिश हो जाएगा। सो एट द एंड आपको ये थैंक यू का पॉपअप मिल जाएगा। इस पॉपअप के मुताबिक विद इन वन बिजनेस डे आपके अकाउंट की तमाम तर डिटेल्स को चेक किया जाएगा और विद इन वन बिजनेस डे आपके अकाउंट को अप्रूव कर दिया जाएगा। इस पॉपअप के अंदर आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा और यही पूरा थैंक यू का मैसेज आपको ईमेल के जरिए भी रिसीव हो जाएगा। अकाउंट अप्रूव होने की सूरत में विद इन वन बिजनेस डे बैंक अल्फला की तरफ से आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है। फाइनली बैंक अल्फला का हमारा ऑनलाइन बैंक अकाउंट साइन अप हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है इंटरनेट बैंकिंग इनेबल करने का। तो इंटरनेट बैंकिंग इनेबल करने के लिए आपने चले जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और वहां से डाउनलोड कर लेनी है बैंक अल्फला की ऐप। तो यहाँ से आपने बैंक अल्फला की ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। बैंक अल्फला की ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर टॉप के ऊपर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं। सो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, ऑलरेडी या बैंक अल्फला अकाउंट होल्डर या न्यू टू बैंक अल्फला। तो आपने ऑलरेडी या बैंक अल्फला अकाउंट होल्डर वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। सो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना है। ये अकाउंट नंबर आपको बैंक अल्फला ने ईमेल के जरिए प्रोवाइड कर दिया होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, अपना सिम का नेटवर्क सेलेक्ट करना है और अपना फ़ोन नंबर इंटर करके नेक्स्ट के ऊपर चले जाना है। उसके बाद लास्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है और उसका आंसर दे देना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है और अपना यूज़र नेम यहाँ पर आपने इंटर कर लेना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने अकाउंट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवा लेनी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपने कोई भी हैंड का जेस्चर सेलेक्ट करना है। जेस्चर सेलेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन होगा, तो जो जेस्चर आपने सेलेक्ट किया था आपने उसी जेस्चर के अंदर अपनी फिंगर्स को या अपने थंब को रखना है और ये आपके फिंगर्स या थंब के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको स्कैन करेगा
और फिर उनको नादरा के डेटाबेस के साथ मैच करेगा। अगर वो फिंगरप्रिंट्स नादरा के डेटाबेस के साथ मैच हो गए तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद आपके फ़ोन नंबर और आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड सेंड किया जाएगा। तो आपने ईमेल के ऊपर रिसीव होने वाला कोड ईमेल कोड वाले सेक्शन में डालना है और SMS पे रिसीव होने वाला कोड SMS वाले सेक्शन के अंदर एंटर कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर चले जाते हैं। एट द एंड आपने अपना एक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और उस पासवर्ड को कंफर्म भी कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी 4-डिजिट लॉगिन पिन क्रिएट करनी है और उस पिन को री एंटर करके कन्फर्म भी कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और आपकी इंटरनेट बैंकिंग इनेबल हो जाएगी। फाइनल स्टेप है अल्फा बैंक की ऐप के अंदर लॉगिन करने का। तो उसके लिए आपने यहाँ पर अपनी 4-डिजिट लॉगिन पिन इंटर कर लेनी है जो कि आपने अभी रिसेंटली क्रिएट की थी, और उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री कर लेना है और हम बैंक अल्फा की ऐप के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ से आप किसी भी किस्म की पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, किसी भी किस्म की पेमेंट रिसीव करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा मोबाइल टॉपअप और बाकी तमाम तर ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जी तो जनाब, आज की वीडियो थी बैंक अल्फा की ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट बैंक अल्फा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। इसके अलावा आप कौन से बैंक की अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।